जाधा में गंदगी को लेकर पीएम मोदी ने जताई चिंता। मन की बात में श्रद्धालु से गंदगी न फैलाने की अपील। कहा तीर्थ सेवा के बिना तीर्थ यात्रा अधूरी। उत्तराखंड में कई इलाकों में भारी बारिश की आशंका। मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। राज्यसभा के लिए बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। उत्तराखंड के से कल्पना सैनी को बनाया पार्टी ने उम्मीदवार। उत्तराखंड में पिछड़ा आयोग की है अध्यक्ष। चंपावत में आज शाम 5 बजे थम गया चुनाव प्रचार का शोर। 31 मई को मतदान, 3 जून को काउंटिंग। विधायक महेश जीना ने राजकीय महाविद्यालय तल्ला सल्त नेवल गांव में पहुंचकर निर्माणाधीन विद्यालय भवन का किया निरीक्षण। कहा विद्यालय का और विस्तार किया जाएगा। पशुपालन मंत्री सौरभ अहुगुड़ा ने केदारनाथ मार्ग में घोड़े खच्चरों की मौत पर जताया दुख। संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के दिए निर्देश। चारधाम यात्रा मार्ग पर अनफिट घोड़े खच्चरों का नहीं होगा संचालन। अब तक 70 घोड़े खच्चरों की हो चुकी है मौत। मशहूर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की दिन दहाड़े हत्या। मानसा के गांव जवाहरके में हुई सिद्धू मूसेवाला पर ताबड़तोड़ फायरिंग। एक के बाद एक मारी गई 30 गोली। कई पंजाबी सीएम भगवंत मान की सरकार ने घटाई थी सिद्धू मूसेवाले की सिक्योरिटी। सीएम योगी का गोरखपुर दौरा। विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में हुए शामिल। क्षेत्रीय कार्यालय भवन का किया शिलान्यास। यूपी सीएम योगी ने यूपी आरटीओ के भवन का किया शिलान्यास। सीएम योगी ने पौधारोपण किया। मौके पर तमाम बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद। गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी। यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि पूरी ईमानदारी के साथ हो रहे विकास कार्य। आज देश में अलग पहचान बना रहा यूपी। मुख्यमंत्री योगी ने अपने संबोधन में नए सेंटर के लिए छात्र छात्राओं को दी बधाई। लखनऊ में बीजेपी कार्यसमिति की हुई बैठक। 2024 पर मंथन। सीएम योगी समेत कई दिग्गज नेता मौजूद। बीजेपी कार्यसमिति की बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा। युवाओं को रोजगार देने का हुआ जिक्र। गरीब कल्याण योजना को लेकर भी चर्चा। बीजेपी कार्यसमिति की बैठक में सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा 2024 के चुनाव की भूमि अभी से तैयार करनी होगी। जनता को अपने कामों के बारे में बताना होगा। कार्यसमिति की बैठक में बोले सीएम, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। प्रतापगढ़ में फिर सुनाई दी बुलडोजर की धमक। संग्रामगढ़ बाजार इलाके में हटाया गया अतिक्रमण। इलाके की सड़कों को किया गया अतिक्रमण मुक्त। अम्बेडकर नगर में राजीव तिवारी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत प्रशासन ने आरोपी की 2 बीघा जमीन की कुर्की के साथ होटल आरडी लॉज को किया सील। जौनपुर की बेटी नम्रता यादव रूस में ग्रैपलिंग कुश्ती में सेमीफाइनल तक सफर तय करने के बाद अपने गांव तेरा पहुंची। लोगों ने किया नम्रता का जोरदार स्वागत। कांस्य पदक जीतकर नम्रता ने किया देश का नाम रोशन। भड़काऊ भाषण के बाद पुलिस हिरासत में अब्दुल रहमान। आजमगढ़ के शिवली कॉलेज में दिया था भड़काऊ भाषण। ट्वीट के जरिए पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। पीएम मोदी ने की मन की बात। कहा नई उड़ान भर रहा है भारत का स्टार्टअप। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत हमारा मन। देवबंद से जमीयत उलेमा हिंद का ऐलान। कहा शरीयत में दखल नहीं होगा बर्दाश्त। मंदिर मस्जिद विवाद से देश के अमन को नुकसान। ज्ञानवापी केस में कल जारी होगी सर्वे की रिपोर्ट। दोनों पक्षों को दी जाएगी तस्वीरें और वीडियो। 7 दिनों में दोनों पक्ष दर्ज करा सकते हैं आपत्ति। ताजमहल में तेजू महाली के दावे के बाद एक और विवाद। आरटीआई दायर कर पूछा गया जुमे की नमाज की किसने दी थी इजाजत। पुरातत्व विभाग के पास